डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप अब सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी ने इस वबा की जो शरह है, इसकी जो रेट ऑफ इन्फेक्शन और इसकी डेथ रेट, ये कम होती जा रही है। और जब तक ये पूरी तरह फना हो जाए, तब तक हमें अपने घरों के अंदर बैठना है, यानी कोविड बिहेवियर में रहना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में। और जब हम घरों में रहेंगे तो दो तरह के फ़ायदे हमें मिलेंगे। एक तो हम कोविड से बच पाएंगे, श्योरली हम कोविड से बच पाएंगे, और दूसरा हम किताबों के साथ जुड़े रहेंगे। और किताबों के साथ जब हम कनेक्ट रहेंगे, हमारा मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, लाइफ नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। ज़िंदगी को पहली अहमियत देनी चाहिए। और जब जान है तब जहाँ है, जब ज़िंदगी है तब पूरी दुनिया है। इन दिनों हमें ज़्यादातर अपने घरों के अंदर बैठना चाहिए। और जब हम बाहर आएँ घरों से किसी मजबूरी की वजह से, तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। सेवंथ के साइंस में आज हमें पढ़ना है हीट चैप्टर से, जो हम हीट चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं व्हाई डू वी वियर मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स इन विंटर्स। और जब सर्मा का मौसम आ जाता है तो हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, यानी 2-4 कपड़े पहनते हैं, बनस्बत कि इसके हम एक मोटा कपड़ा पहने। तो ये इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सीधा है। जब हम 2-4 लेयर्स कपड़ों के पहनते हैं, जो आयर होता है ये इन लेयर्स में ट्रैप हो जाता है, जो इन लेयर्स बनते हैं, तह बनते हैं, इनमें ये ट्रैप हो जाता है। और आयर जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ने हीट को ये पास नहीं कर लेता है, लिहाजा जो हीट लॉस होता है वो नहीं होता है। इस तरह हमारा जिस्म गर्म रहता है। सो सिंपल इट इज़, बिल्कुल आसान है। द क्वेश्चन देयर इज आस्क्ड, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम योर टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट से, व्हाई डू वी वियर मोर क्लोथ्स इन विंटर्स, मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स इन विंटर। ज्यूरिंग द विंटर्स द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड वी वियर मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स देन वन फैट लेयर ऑफ क्लोथ, बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन दीज लेयर्स एंड एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट प्रिवेंट्स हीट लॉस एंड दस कीप्स आवर बॉडी वार्म। सो सिंपल इट इज़, जब हम विंटर्स आ जाते हैं, यानी सर्मा का मौसम आ जाता है, तो सर्दी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो हम 2-4-5 कपड़े पहनते हैं, या लेयर्स जो तह होते हैं कपड़ों के वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बनस्बत इसके कि हम एक ही मोटा कपड़ा इस्तेमाल करें। क्योंकि जो लेयर्स बनते हैं कपड़ों के जो हम पहनते हैं, इसमें एयर ट्रैप हो जाता है, और एयर जब ट्रैप हो जाता है इसमें, एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, नहीं हीट को पास होने नहीं देता है। इस तरह जो हीट लॉस होता है इसको ये प्रिवेंट करता है, इस तरह हमारी बॉडी गर्म रह जाती है। सो सिंपल इट इज़। अब मैं ये चीज़ें कश्मीरी में दोहराऊँगा। दबाव इस चैप्टर एस टू हीट, तथ मज अक सवाल, बिल्कुल असल सवाल चाहिए। ये से विंटर एवं यानी वंद एवं इस क्या लागान 2-5 कपड़ा, ने पलो क्या लागान ज़्यादा 2-5 बनस्बत अगर अको मोट पलो लागो, चूँकि इस गड़न 2-4 पलो लागान, यह 2-4 तह बना, तह लेयर बना, अत मन एयर गसान ट्रैप, यानी एयर अत मन फसल, यूत ये एयर इन लेयरन मन ट्रैप गसान, हीट बना कपड़ो सर्मी गसान, एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी यह दिवान हीट लॉस गसना कि यूत हीट लॉस दिवान यह गसना कि इत कन सोन जिसम रोजान गरम। मगर थोन जहनस मज यह लेयर बना 2-5 लेयर, इमन लेयरन मन एयर ट्रैप गसान, मगर यह पे हीट लॉस दिवान गसना कि इत कन सोन जिसम गरम रोजान। तो सहल सवाल, लेट मी रिपीट द थिंग्स वंस अगेन इन इंग्लिश। देर इज क्वेश्चन, वाई डू वियर मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स ज्यूरिंग द विंटर्स, ज्यूरिंग द विंटर टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड वी वियर मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स, बिकॉज इन बिटवीन दीज लेयर्स एयर गेट्स ट्रैप्ड, व्हेन एयर गेट्स ट्रैप्ड देयर एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट
प्रिवेंट्स हीट लॉस एंड कीप्स आवर बॉडी वार्म। और जब हम दो चार कपड़े लगाते हैं, इन्हें तह लगाते हैं कपड़ों की, लायर्स लगाते हैं, तो इन लायर्स जो बनते हैं इनमें एयर ट्रैप होता है, और एयर जब ट्रैप इनमें होता है, एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये हीट लॉस होने नहीं देता है। इस तरह हमारा जो जिस्म है ये गर्म रहता है, सर्दी से बच जाता है। सो सिंपल इट इज़। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जहनों तक ये बात पहुंची होगी कि हम क्यों हम जब मौसम सर्मा आ जाता है, विंटर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े लगाते हैं कि बनस्बत कि इसके एक ही हम मोटा कपड़ा पहने। बिल्कुल आसान है ये, ज्यूरिंग द विंटर्स द टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, यानी टेम्परेचर कम हो जाता है, और हम दो चार लेयर्स कपड़ों के लगाते हैं, इसमें आयर ट्रैप होता है, और जब आयर ट्रैप होता है इसमें इन लेयर्स में, इन बिटवीन दीज लेयर्स आयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये हीट लॉस नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हमारा जो जिस्म है वो गर्म रह जाता है। अब वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी साइनस टेक्स्ट बुक निकालनी है, इस पर क्वेश्चन देखना है, और पहले रफ निकालना है, रफ बुक निकालना है, इस पर पॉइंट्स नोट करने हैं, फिर क्वेश्चन बनाना है। और बिल्कुल ये आपके टेक्स्ट में लिखा है, क्वेश्चन भी लिखा है, और इसका आंसर आप ढूंढना है, और इसके बाद अपनी नोटबुक पे ये चीज़ें मेंशन करना है। नोटबुक पे मेंशन करने के बाद यू हैव टू मेमोराइज, आपको ये याद करना है, और सुर्ख जो स्याही होती है इसे आपको क्वेश्चन लिखना है, और जो ब्लू इंक होती है इसका इसे आंसर लिखना है, और रिटन वर्क जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ऑनली वे टू रिमेंबर थिंग्स इज टू राइट डाउन दिंग, एक ही तरीका होता है जब हमें बहुत लंबे उर्से तक चीज़ों को याद रखना है, तो इसके लिए रिटन वर्क का होना ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुँचे हुई, ये कंसेप्ट पहुँचा होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, और जब आप मैसेज डालोगे आई विल रिपीट द थिंग्स, मैं इन चीज़ों को दोहराऊँगा, लेकिन आपको किताबों के साथ अपने आप को जोड़ना है, ये चीज़ें देखने हैं, वीडियो देखने के बाद किताबों पे देखने हैं, टेक्स्ट बुक पे देखने हैं, इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल बन जाएगा। थैंक्स, बी वेल।